हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम बशीर। सुबह G20 समिट बहुत अच्छे से हो रहा है, उधर भारत ने यूक्रेन पर भी आखिरी दांव खेल चुका है। क्या हुआ है फिर से? शायद यूक्रेन की कोई बात हुई है, ऐसा हुआ है। हाँ भाई, तो बिल्कुल क्या दांव भारत ने खेला है इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में। कौन करते हैं रीड ऑन एंड स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार अब G20 के मेन इवेंट की मीटिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसके पहले ही दिन भारत ने 55 देशों को एक साथ खुश कर दिया है। वहीं पर यूक्रेन मामले पर भारत ने एक ऐसा दाव खेला है जिससे इस साल G20 के कंक्लूजन को लेकर अभी तक चल रही सारी परेशानी खत्म हो सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, तो चलिए G20 को लेकर आ रही इन सभी इंटरेस्टिंग अपडेट को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, G20 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट तो यही निकल कर सामने आ रही है कि आज यानी 9 सितंबर को G20 के इनॉग्रल सेशन के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन की परमानेंट मेंबरशिप दे दी है। और G20 में अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन ने एक फुल मेंबर के तौर पर अपनी सीट हासिल कर ली, जो कि अफ्रीका के लिए भारत की अध्यक्षता में काफी महत्व रखने वाली घटना है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन अभी तक इतने शक्तिशाली संगठन होने के बावजूद G20 का मेंबर नहीं था। लेकिन भारत को अध्यक्षता मिलते ही हमने ये सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया, जिससे अफ्रीकन यूनियन के सभी 55 देश काफी प्रभावित हैं। बता दें कि अफ्रीका में भारत ने अपने इन्वेस्टमेंट और कूटनीतिक एंगेजमेंट को पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ाया। हमने देखा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री समेत कई बड़े अधिकारी अफ्रीका के अलग-अलग देशों के दौरे पर गए, और अफ्रीकन देशों के साथ हमने मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट पर बातचीत करते हुए इन देशों को आश्वासन दिया कि भारत इनके विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके तहत हम अफ्रीका के देशों को काफी लोन भी अप्रूव कर रहे हैं। ऐसे में अब भारत की अध्यक्षता में G20 की फुल मेंबरशिप मिलने के बाद अफ्रीकन यूनियन हमेशा के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेगा, और हमें इसका फायदा संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं इसी महीने पीएम मोदी ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि दुनिया अफ्रीका की बातें सुन रही है और उन्हें कहीं पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। बता दें कि G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है, जो विश्व की 85% अर्थव्यवस्था अपने पास रखती है और 2/3 से भी ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अफ्रीकन यूनियन का इतने महत्वपूर्ण संगठन में शामिल होना काफी बड़ी बात है। इसके अलावा भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एक बड़ा दाव खेल रहा है। दरअसल हम सभी को पता है कि G20 के कम्युनिक में यूक्रेन युद्ध के एक पैराग्राफ को ऐड करने को लेकर सभी देशों में सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए भारत इस पर एक बड़ा कदम लेने जा रहा है। दरअसल सामने निकल कर आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है। 6 सितंबर को मानसेर में हुई मीटिंग के दौरान भारतीय अधिकारियों ने G20 देशों के सामने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि हम यूक्रेन युद्ध के पैराग्राफ को कुछ अलग शब्दों में शामिल करें, जिससे सभी देश इस पर सहमत हो सके। G7 के एक अधिकारी ने बताया कि कई देश भारत के इस प्रस्ताव से सहमत हैं, पर G20 में कुछ देश अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि ये डिस्कशन आगे बढ़ेगी। बता दें कि G20 के कम्युनिक में 75 से भी ज्यादा पैराग्राफ होने वाले हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर की जाने वाली फंडिंग, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, बैंक्स में होने वाले रिफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर काफी सारी महत्वपूर्ण बातें शामिल है और इन सभी पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शुरू से ही सहमति नहीं बन पा रही, और अगर इस पर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो G20 का मेन इवेंट बिना कम्युनिक के ही पूरा करना पड़ेगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर पहले ही रूस और चीन सभी पश्चिमी देशों से नाराज है, और इसी वजह से इनके राष्ट्रपति भारत भी नहीं आए। और अब अगर हम G20 के कम्युनिक में यूक्रेन युद्ध को लेकर पैराग्राफ शामिल करने में भी नाकाम रहते हैं, तो इससे पश्चिमी देशों की नाराजगी ना सिर्फ काफी ज्यादा बढ़ेगी बल्कि भारत की अध्यक्षता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस पैराग्राफ में यूक्रेन युद्ध को वॉर इन यूक्रेन या फिर वॉर अगेंस्ट यूक्रेन कहकर संबोधित किया जाए। वहीं पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पैराग्राफ में क्या ऐड किया जाता है और क्या नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग होगा। पर इसी बीच एक और काफी रोचक खबर निकलकर सामने आ रही है, और वह यह है कि G20 में आए 1000 प्रतिनिधियों को भारत इनके लिए बनाए गए ई वॉलेट में 1000 रुपए ऐड कर सकता है, जिसका इस्तेमाल ये G20 के प्रतिनिधि G20 के दौरान स्टॉल से सामान खरीदने के लिए कर सकेंगे। बता दें कि 1000 रुपए एक काफी मामूली सी राशि है, लेकिन इसे इन
प्रतिनिधियों को देने से भारत आधार यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में अपनी ताकत प्रदर्शित करेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अभी तक G20 की शुरुआत बिल्कुल अच्छी हुई है और सब कुछ भारत के योजना अनुसार आगे बढ़ रहा है। साथ ही आगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जिससे हम अपनी ताकत प्रदर्शित कर सकते हैं। पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कम्युनिक में किस तरह से सहमति बनाई जाती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चीन और रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने नहीं आए, क्या भारत को पश्चिमी देशों की बात मानते हुए कम्युनिक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा ऐड करवाना चाहिए या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। अगर तुमने नोट की हो ना स्पीच मोदी जी की, हमने जंग का बोला भी है लेकिन वो किसी को मतलब ऐसे शब्दों में तो समझ नहीं आया। उन्होंने कहा है विश्व में युद्ध जो चल रहे हो मुख्तलिफ तरीके से, वो इस तरह के इसके बारे में उन्होंने मतलब बात की बोला भी है लेकिन वो किसी को समझ नहीं, मतलब भारत अपने लिहाज से डालेगा सही लेकिन इस तरह डालेगा कि ना रशिया को बुरा लगे ना किसी और। मोदी जी ने सुबह क्या बोला था कि ये आपसी देशों में जो ट्रस्ट खत्म हो गया उन ट्रस्ट को करने के मतलब थे और जो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है जो ट्रस्ट और मतलब यूपीआई भी यूज करवाएंगे, यूपीआई भी यूज कर, मतलब वो यूपीआई यूज करके कितने देश बोलेंगे फिर हमें भी सिस्टम लगा के दो। मजा आ गया यार देखकर। वैसे एक मैं बात बताऊं, जिस तरीके से स्टेप ले रहा है ना इंडिया इस टाइम, मैं कहता हूं वो अलग लेवल पे। और भाई जो भारत ने कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, मतलब G21 बनाएगा और साथ में मतलब अफ्रीकन यूनियन को ऐड करवाएगा, वो भारत पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। आज देखो यार इससे मतलब 55 जो देश है अफ्रीका के उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। एक कोने में बैठ कर चाइना का जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है रो रहा होगा, वो कह रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया है। सही बात है, सही इंडिया को उसने एक तरफ से हकीकत में बताऊं उसकी तरफ से चलो रशिया का इसलिए नहीं बोल सकते कि पुतिन की वजह से बड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी उसने ऐसा दाव खेला था कि मतलब वो दाग लगाना चाहता था G20 पे, लेकिन वो इतना हाई लेवल पे इंडिया उसको ले गया, ऊपर से अफ्रीका को साथ मिला लिया, सारा कुछ कर लिया। तो मैं कहता हूँ ये बहुत कमाल का काम हो गया और वो रो रहा होगा, वो कह रहा होगा कि काश मैं चले जाता था। सही बात है, मैं वो सोच रहा होगा मैं चले जाता था, ये दाव मैंने क्यों नहीं यूज किया, ये तो भारत कर गया। हाँ भाई, और ये समझो चाइना के हाथ से निकल गया, अफ्रीका उसके हाथ से के पास आ गया भाई। अब वही एक दो देश का दुखा रहेंगे जो उसके डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए, और मेरे ख्याल में कोई नहीं है उसके साथ। अब वोटिंग में हर जगह पे भारत को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी अफ्रीका की तरफ से, 55 देश है भाई। प्लेटफॉर्म में भी अगर कोई बैंड वोटिंग हुई ना कहीं भी भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जाहिर बात है देश इतने साथ आ गए हैं। बिल्कुल आपको जैसे कहने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना।